हेलो दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत so, है आप सभी का आपके अपने चैनल पाबली हिंदी पे तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है गूगल फॉर्म सबमिट होने पर ऑटोमेटिकली ईमेल नोटिफिकेशंस सेंड करें यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे गूगल फॉर्म्स में हमें एक नया फॉर्म सबमिट हो हमें एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को हम अपने जी अकाउंट से एक ई नोटिफिकेशन सेंड करें तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक सर्वे कंडक्ट कराना चाहता हूँ लोगों के स्मार्टफोन यूजेज से रिलेटेड जिसमें मैं यूज़र्स से पूछ रहा हूँ कि वो कौन से ब्रांड का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं कितने टाइम से यूज करते हैं किस तरीके से यूज करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चन तो मैंने गूगल फॉर्म्स की हेल्प से एक सर्वे फॉर्म बिल्ड किया और उसे यूजर्स के साथ शेयर किया ताकि वो अपने आंसर्स अपने रिस्पॉन्सेज उस फॉर्म के थ्रू मुझे सबमिट करके भेज सके लेकिन मैं चाहता था कि जब भी कोई यूज़र इस गूगल फॉर्म में अपने रिस्पॉन्सेज सबमिट करे उसे मैं एक ई नोटिफिकेशन सेंड करूँ एक थैंक यू ई सेंड करूँ ताकि उन्हें मैं नोटिफाई कर सकूँ कि उनके रिस्पॉन्सेज मुझे सक्सेसफुली रिसीव हो गए हैं लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है वो ये कि गूगल फॉर्म्स और जी इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमने जिस एप्लीकेशन का यूज किया है उसका नाम है पाबली कनेक्ट पाबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल फॉर्म्स और जी इन दोनों को यह आपस में लिंक करेंगे आपस में इंटीग्रेट करेंगे ताकि जब भी हमारे गूगल फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट हो हमें एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस यूजर को हम अपने जी अकाउंट से एक ई नोटिफिकेशन सेंड कर सकें और इस प्रोसेस में इस इंटीग्रेशन में फैमिली कनेक्ट को यूज़ करने की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसके लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है एक नॉन टेक्निकल यूज़र भी इस पूरे प्रोसेस को इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली बहुत ही सिंपली कर सकता है चलिए इस ऑटोमेशन को समझते हैं एक रियल टाइम एग्जाम्पल की हेल्प से तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने गूगल फॉर्म्स की हेल्प से यहाँ पे एक सर्वे फॉर्म प्रिपेयर कर लिया है अब जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म्स में अपनी डिटेल्स एंटर करके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करके इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली उस यूज़र के ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा अब हम करते हैं इस पूरी प्रोसेस को इस ऑटोमेशन को एक बार टेस्ट और करते हैं इस फॉर्म को फिल तो यहाँ पे मैंने कर लिया इस फॉर्म में डिटेल्स फिल जो मुझसे पूछ रही थी मेरा नाम एज अ यूजर का नाम आकाश भेलकर एज ट्वेंटी टू ई मेल आकाश भेलकर फाइव एट द रेट जी मेल डॉट कॉम

वहां चल के देखते हैं कि क्या हमें वहां पे कोई ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है या नहीं तो जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे हमने सक्सेसफुली एक ईमेल रिसीव हो गया एक ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव हो गया है सेम ईमेल एड्रेस पे जो हमने अभी अभी, अभी अपने गूगल फॉर्म में फिल किया था एंटर किया था तो ये ईमेल हमसे कह रहा है हेलो आकाश आकाशवेलकर वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर रिस्पॉन्स ऑन स्मार्टफोन सर्वे फॉर्म अप्रिशिएट द टाइम यू हैर्वे थैंक यू रिगार्ड्स तो दोस्तों अब आप मुझसे पूछेंगे ये मैंने कैसे किया कैसे मैंने गूगल फॉर्म में सबमिट हुए रिस्पॉन्स के बेसिस पे सबमिट कन्फर्म सबमिट करने वाले यूजर को एक ईमेल नोटिफिकेशन सेंड किया तो मैंने किया एक ऑटोमेशन क्रिएट करके वो भी तीन बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल स्टेप्स में जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पब्लिक कनेक्ट टू गूगल फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ वेबुक यूआरएल। आर यानी कि सबसे पहले हम जाएंगे पैब्लिक कनेक्ट में और वहाँ से मिले एक वेबबुक यू की हेल्प से हम गूगल फॉर्म्स और कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में लिंक करेंगे आपस में कनेक्ट करेंगे फिर आती है हमारी सेकेंड स्टेप जो है कलेक्ट द फॉर्म रिस्पॉन्स फ्रॉम गूगल फॉर्म इन पैबली कनेक्ट तो सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे गूगल फॉर्म्स पे और जिस फॉर्म का रिस्पॉन्स हम कलेक्ट करना चाहते हैं रिसीव करना चाहते हैं कनेक्ट में उस फॉर्म में उस फॉर्म की सारी डिटेल्स फिल करके उस फॉर्म को एक बार सबमिट करेंगे ताकि उस फॉर्म का जो रिस्पॉन्स का डेटा है उसे हम पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके रिसीव कर सके फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डेटा टू जी मेल टू सेंड ई मेल यानी कि जो डेटा जो रिस्पॉन्स अभी अभी हमने पैब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया रिसीव किया हमारी सेकेंड स्टेप में हमारी थर्ड स्टेप में हम उस सेम डेटा को जी मेल को सेंड करेंगे ताकि हम अपने जी मेल अकाउंट से यूजर्स को ई मेल नोटिफिकेशन सेंड कर सके फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को नोटिफिकेशन सेंड कर सके। तो चलिए चलते हैं हमारी पर्स पर और जाते तो दोस्तों, यहां पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने अपने ब्राउज़र तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम गूगल फॉर्म्स या गूगल के साथ किसी भी तरीके का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे ब्राउजर में मल्टीपल गूगल अकाउंट्स लॉगिन होने के कारण गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट्स के साथ ऑथेंटिकेशन इश्यूज आ सकते हैं पाबली कनेक्ट के साथ इंटीग्रेट करते वक्त तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए अवॉइड करने के लिए हम इनकॉग्नेटो टैप का यूज करते हैं तो पाबलिकनेक्ट पर जाने के बाद हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पाबलिकनेक्ट का लैंडिंग पेज अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं एक है साइन इन दूसरा है साइन अप फ्री क्योंकि मेरा पब्लिक कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूं साइन इन आप साइन अप फ्री पे जाके पब्लिक कनेक्ट में दो मिनट में अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं साइन इन करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही यह हमारे पास खुल चुका है नेक का डैशबोर्ड यहां हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्क फ्लो पे और देंगे इस वर्क फ्लो का एक नाम तो मैं इस वर्क फ्लो को एक नाम देता हूं गूगल फॉर्म्स टू जी और क्लिक करता हूं क्रिएट पे क्रिएट पर क्लिक करते ही मुझे यहां दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं एक है ट्रिगर दूसरा एक्शन अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रिगर और एक्शन क्या है तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट है वो दो प्रिंसिपल्स है जिसकी बेसिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है जिसमें ट्रिगर कहता है वेन दिस हैपन्स यानी कि जब ऐसा हो और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे जब ऐसा हो ऐसा करे तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी गूगल फॉर्म में एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो तो फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एक ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करें तो चलिए चलते हैं पहले हमारे ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहां पे सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल फॉर्म्स गूगल फॉर्म्स गूगल फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछा है ट्रिगर इवेंट हम तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं न्यू रिस्पॉन्स इन स्प्रेडशीट ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही ने दे दी हमें एक वेबुक यू अब इस वेबुक यूर की हेल्प से हम गूगल फॉर्म्स और पैब्ली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में लिंक करेंगे आपस में कनेक्ट करेंगे और ये पूरा प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे तो यहाँ पे पहली लाइन में लिखा है गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड इन गूगल शीट्स सो फॉलो द बिलो स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट द न्यू रिस्पॉन्स तो ये हमें बता रहा है कि जो गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सेज है जो फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो गूगल शीट्स में कलेक्ट होता है स्टोर होता है तो गूगल शीट से वो डेटा रिसीव करने के लिए कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें तो यहाँ सेकेंड स्टेप पर लिखा है गो टू फॉर्म्स ऑन विच यू वॉन्ट टू टेक सबमिशन एंड मेक लास्ट क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड फॉर ट्रिगर तो ये हमें कह रहा है कि हम उस गूगल फॉर्म पर जाए जिसके रिस्पॉन्सेज जिसके फॉर्म सबमिशन का डेटा हम रिसीव करना चाहते हैं कलेक्ट करना चाहते हैं पब्लिक कनेक्ट में और वहाँ जाके जो उस फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन होगा उसे रिक्वायर्ड ट्रिगर करें तो दोस्तों चलिए चलते हैं गूगल फॉर्म्स पे और वही चल के समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा तो यहाँ पे मैंने एक प्रिपेयर करके कर कर रखा है एक स्मार्टफोन यूसेज सर्वे फॉर्म वैसा ही जैसा आपने एग्जाम्पल में देखा इसके कुछ फील्ड्स है नेम एज ई मेल डू यू रेगुलरली यूज अ स्मार्टफोन वॉट ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन डू यू यूज हाउ लॉन्ग हैव यू ओन्ड योर स्मार्टफोन हैव यू यूज योर स्मार्टफोन फॉर ट्रैकिंग योर हेल्थ वेयर डू यू नॉर्मली कीप योर स्मार्टफोन वेन यू वर्क तो दोस्तों अब हम जाएंगे इस फॉर्म के लास्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे क्लिक करके हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा दिखेगा रिक्वायर्ड का तो यहाँ पे जो हमें बटन है जो लेफ्ट साइड पे है इसे हम स्विच करके टर्न करेंगे राइट साइड पे अब यूजर के लिए इस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना मैंडेटरी हो गया है जरूरी हो गया है इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं एक है क्वेश्चन टैब जिसमें हम अभी है जिसमें हमारे सारे इस गूगल फॉर्म के क्वेश्चन है हमें दिखाई दे रहे हैं और उसके राइट साइड पे है रिस्पॉन्स टैब तो हम क्लिक करते हैं रिस्पॉन्स टैब पे और रिस्पॉन्स टैब पे ही जाते ही हमें यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिखता है जो कि है गूगल स्प्रेडशीट्स का जिस जिसपे हवर करने पे हमें कहता है क्रिएट स्प्रेडशीट तो हम क्लिक करते हैं इस स्प्रेडशीट के आइकन पे इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन यानी कि गूगल फॉर्म के जो रेस्पॉन्स है वो कहाँ स्टोर करना चाहते हैं हम पहला एक न्यू स्प्रेडशीट में और दूसरा किसी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट में तो हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट और क्लिक करते हैं क्रिएट पे क्रिएट पे क्लिक करती दोस्तों एक न्यू टैब में खुल जाती है हमारी एक गूगल शीट जिसके टाइटल्स में वो सेम कॉलम्स है वो सेम फील्ड सेम क्वेश्चन है जो हमारे गूगल फॉर्म्स में भी है और यहाँ फर्स्ट कॉलम में एक ऑप्शन है टाइम्स टाइम का जो हमें बताएगा कि किस डेट और टाइम पे वो गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स सबमिट किया गया है अब हम पहले कर लेते थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इस गूगल शीट की ताकि ये गूगल शीट देखने में थोड़ी अच्छी लगे थोड़ी रीड करने में इजी हो टेक्स्ट तो जी हाँ अब हमें ये फील्ड सारी फील्ड सारे ऑप्शंस अच्छे से दिखाई दे रहे हैं अब इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखते हैं गूगल शीट्स पे जिसमें से हम जाएंगे एडॉन्स पे और क्लिक करेंगे गेट एडॉन्स पे गेट एडॉन्स पे क्लिक करते ही हमारे पास खुलता है गूगल वर्क स्पेस मार्केट प्लेस और यहां सर्च ऐप्स में जाके हम सर्च करेंगे पैब्लिक कनेक्ट वेबहॉक्स पी ए बी बी एल वाई पैब्लिक कनेक्ट वेबहॉक्स और कनेक्ट वेब बुक सर्च करती जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पैब्लिक वेब बुक्स ये एडोन मेरी गूगल शीट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आप यहां से इस एडोन को अपनी गूगल शीट्स में भी इंस्टॉल कर ले और इसे इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपनी गूगल शीट को रिफ्रेश जरूर करें यह काफी इम्पोर्टेंट स्टेप है अपनी गूगल शीट को रिफ्रेश करने के बाद हम एक बार फिर से जाएंगे एडोन्स पे और हम देख सकेंगे कि कनेक्ट वेब बुक्स ये ऑप्शन अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हम जाएंगे कनेक्ट वेब बुक्स पे और क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स जो हमसे दो चीजें मांग रहा है पहली वेबुक यू दूसरी ट्रिगर कॉलम तो वेब बुक एल में दोस्तों हमें सेम वेबुक यू पेस्ट करनी है जो हमें पब्लिक कनेक्ट ने दी थी तो चलिए चलते हैं हम वापस अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट की तरफ और यहां से इस वेबो क्यूआरएल को करते हैं कॉपी और अपनी गूगल शीट्स में आके इसे करते हैं यहां पे पेस्ट। वेबुक पेस्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम तो ट्रिगर कॉलम क्या है दोस्तों ट्रिगर कॉलम बेसिकली हमारे गूगल शीट्स का आखिरी डेटा एंट्री कॉलम होता है जिसमें हमारा डेटा कंसिस्ट करता है एग्जाम्पल के लिए आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि जो कॉलम आई है वो होगा मेरा ट्रिगर कॉलम क्योंकि वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम है जिसमें मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है आपकी गूगल शीट के हिसाब से ई एफ जी एच आई एक्सेट्रा कोई और कॉलम भी आपका ट्रिगर कॉलम हो हो सकता है बस मेक श्योर करें कि वो आपका आखिरी डेटा एंट्री कॉलम हो तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कॉलम आई को एच ट्रिगर कॉलम और क्लिक करते हैं सबमिट पे सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम एक बार फिर से जाएंगे एडोन्स पे पब्लिक कनेक्ट पैब्लिकनेक्ट बुक्स पे और क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट पे इससे क्या होगा दोस्तों सेंड ऑन इवेंट सिलेक्ट करने से जब भी गूगल फॉर्म में एक नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होगा मतलब एक नया फॉर्म सबमिट होगा और उसका डेटा हमारी गूगल शीट्स में गूगल शीट्स में एक नई रोबन के ऐड होगा तो गूगल शीट्स इंस्टेंटली एकदम रियल टाइम में उस फॉर्म सबमिशन का डेटा कनेक्ट को सेंड कर देगा तो सेंड ऑन इवेंट सेलेक्ट करती है दोस्तों यहाँ पे हमारी इस प्रोसेस की इस ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो होती है कंप्लीट अब हम आते हैं अपनी सेकेंड स्टेप पे जो है कलेक्ट द फॉर्म रिस्पॉन्स फ्रॉम गूगल फॉर्म्स इन पब्लिक कनेक्ट तो अब हम जाएंगे गूगल फॉर्म्स पे और जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था उसमें सारे क्वेश्चन को सारी फील्स को फिल करके फिल करके उस फॉर्म को करेंगे एक बार सबमिट ताकि हम उस फॉर्म रिस्पॉन्स के डेटा को पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें रिसीव कर सके तो चलिए चलते हैं हम अपने गूगल फॉर्म्स पे तो अपने गूगल फॉर्म्स पे आने के बाद हमें ऊपर राइट साइड पे टॉप पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेंड बटन का जिसके लेफ्ट साइड पे हमें कुछ और ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें से हम क्लिक करेंगे प्रिव्यू बटन पे और प्रिव्यू बटन पर क्लिक करते ही हमारे पास हमारा ये गूगल फॉर्म खुल जाएगा प्रिव्यू मोड पे अब यहाँ पे इस गूगल फॉर्म पे हम सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स को फिल करने के बाद सारे क्वेश्चन को आंसर करने के बाद हम करते हैं इस फॉर्म को सबमिट तो मैं करता हूँ इस फॉर्म को एक बार फिल तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्म को कर लिया फिल, name, Kapoor, है फिल एज अ यूज़र नेम कुणाल कपूर जिसकी एज है ट्वेंटी फाइव ई मेल एड्रेस है कुनाल वन फोर जीरो सिक्स डॉट के एट द रेट जी मेल डॉट कॉम डू यू रेगुलरली यूज अ स्मार्टफोन यस वॉट ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन डू यू यूज एप्पल हाउ लॉन्ग हैव यू ओन योर स्मार्टफोन टू ईयर्स हैव यू सेंड योर स्मार्टफोन फॉर ट्रैकिंग योर हेल्थ हैव यू यूज योर स्मार्ट फोन फॉर ट्रैकिंग योर हेल्थ सॉरी येस वेयर डू यू नॉर्मली कीप योर स्मार्ट फोन वेन यू वर्क ऑन माई डेस्क तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसके सारे आंसर्स क्वेश्चन को आंसर करने के बाद हम करते हैं इस फॉर्म को यहाँ पर सबमिट और सबमिट करने के बाद दोस्तों हम वापस चलते हैं अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पर और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या इस फॉर्म रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट ने कलेक्ट किया रिसीव किया है या नहीं तो हम चलते हैं पब्लिक अनेक्ट अकाउंट पे स्क्रोल डाउन करते हैं और जी हाँ दोस्तों रिस्पॉन्स रिसीव्ड इस ऑप्शन के नीचे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम डेटा सेम रिस्पॉन्स जो अभी अभी हमने इस गूगल फॉर्म में फिल करके सबमिट किया हमें पब्लिक कनेक्ट में रिसीव हो गया है कलेक्ट हो गया है सेम नेम कुणाल कपूर सेम एज 25 सेम ईमेल एड्रेस और बाकी सारी सेम डिटेल्स यानी कि हमारे इस प्रोसेस का इस ऑटोमेशन का स्टेप टू भी यहाँ पर हमने बहुत ही इजीली बहुत ही सिंपली कंप्लीट कर लिया है अब आते हैं हम हमारे थर्ड और फाइनल स्टेप पे जो है सेंड द सेम डेटा टू तो जी मेल टू तो सेंड ई यानी कि जो डेटा अभी अभी हमने पैब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया है रिसीव किया है अब हमें ये सेम डेटा जी को सेंड करना है ताकि हम अपने जी अकाउंट से फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को ईमेल नोटिफिकेशन सेंड कर सके तो चलिए वापस चलते हैं अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट की तरफ तो पब्लिक कनेक्ट पे आने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब जाएंगे एक्शन विंडो पे और यहां चूज एप्स में सर्च करेंगे जी को जीमेल और एक्शन इवेंट्स में हम सिलेक्ट करेंगे सेंड एन ईमेल और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे पूछ रहा है कनेक्ट जीमेल अकाउंट ये मुझसे कह रहा है कि मैं अपना जी अकाउंट जिस जी अकाउंट से मैं यूजर्स को ई मेल सेंड करना चाहता हूँ वो जी अकाउंट मैं यहाँ पे पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करूँ लिंक करूँ तो हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शंस पे और नीचे आके क्लिक करेंगे कनेक्ट विथ जी मेल पे यहाँ मैं मुझसे ये पूछ रहा है चूज एन अकाउंट मुझे अपना गूगल अकाउंट चूज करने के लिए कह रहा है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना गूगल अकाउंट और यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे कंटिन्यू पर क्लिक करते ही मेरा गूगल अकाउंट मेरा जी अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है पैब्लिक कनेक्ट के साथ इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे कुछ ब्लैंक फील्ड्स दिखाई देती है जिसमें से सबसे पहले हमसे पूछ रहा है रेसिपियंट नेम यानी कि जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं उसका नाम क्या है तो आपको याद होगा दोस्तों कि सेकंड स्टेप में हमने गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स का डेटा जो था उसे कलेक्ट किया था रिसीव किया था पब्लिक कनेक्ट में जिसमें से एक एंट्री थी फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नेम की तो यहाँ से इस सेम नेम को इस सेम डेटा को हम यहाँ पे नीचे मैप करेंगे यहाँ पे रेसिप नेम के फील्ड पे और ये मैपिंग हम कैसे करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे हमें मिलेगा एक ड्रॉप डाउन इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम यहाँ से सिलेक्ट लेंगे इस नेम की वैल्यू को अब हमने यहाँ पे सेम नेम सेम डेटा जो हमें गूगल रेस्पॉन्स से रिसीव हुआ था पब्लिक कनेक्ट में इस सेम नेम को कुणाल कपूर को मैप कर लिया है इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है रेसिपियंट ई एड्रेस कि जिसे हम मेल सेंड कर रहे हैं उसका ई एड्रेस क्या है तो यहाँ पे हमने फॉर्म रिस्पॉन्स में ई एड्रेस भी यूज रिसीव किया था यूजर का फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का तो हम सेम ईमेल एड्रेस को सेम डेटा को एक बार फिर से यहाँ पे मैप कर लेंगे सेम प्रोसेस से फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे सेम ईमेल एड्रेस सेम डेटा जो हमने यहाँ पे रिसीव किया था इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सेंडर नेम तो जो मेल सेंड कर रहा है उसका नाम क्या है तो मैं यहां पे नेम ले लेता हूं सेंडर्स नेम में वरुण और इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है सेंडर ई एड्रेस यानी कि जो मेल सेंड कर रहा है उसका ई एड्रेस क्या है तो दोस्तों ये वही ई एड्रेस है वही अकाउंट है जिस जी अकाउंट को हमने अभी अभी पब्लिक के साथ कनेक्ट किया है तो उस जी अकाउंट का जो ईमेल एड्रेस है उसे करेंगे हम यहाँ पे एंटर आकाश भेलकर डॉट भेलकर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है रिप्लाई टू ईमेल एड्रेस इस समय ब्लैंक रहने देता तो इस समय अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए एंड देन नेक्स्ट लाइन है ईमेल सब्जेक्ट की तो जो मैं ईमेल जो ईमेल नोटिफिकेशन मैं यूजर्स को फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को सेंड कर रहा हूँ उसकी सब्जेक्ट उस ई का सब्जेक्ट उसकी सब्जेक्ट लाइन क्या होगी तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन देता हूँ थैंक थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स ये होगी मेरे ई मेल की सब्जेक्ट लाइन इसके बाद एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है ई मेल का कॉन्टेंट कि जो हम मेल सेंड कर रहे हैं ई मेल नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं उसका कॉन्टेंट क्या होगा तो मैं चाहता हूँ कि ई मेल कुछ इस तरह स्टार्ट हो हेलो और उसके बाद आए यूजर का नाम तो हम यहाँ से इस सेम नेम को इस फॉर्म फिल करने वाले यूजर के नेम को फिर से एक बार मैप कर देंगे हेलो एंड यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट करते हैं नेम कुणाल कपूर कॉमा कॉमा जस्ट अ नेक्स्ट लाइन और मैंने यहाँ पे अपने नोट पैड पे बाकी की का जो ईमेल का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे क्रिएट करके रखा है तो मैं इसे यहाँ से एक बार कर लेता हूँ कॉपी और इसे यहाँ पे आके कर लेता हूँ एक बार पेस्ट बट हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग कुछ बिगड़ी हुई सी दिखाई दे रही है तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मेटिंग को करते हैं थोड़ा सा सही तो जी हाँ दोस्तों अब ये मेल थोड़ा सा सही थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने एक मेल भी प्रिपेयर कर लिया ईमेल कंटेंट भी प्रिपेयर कर लिया है जो मेल मैं सेंड करना चाहता हूँ उन यूजर्स को जो मेरे गूगल फॉर्म को फिल कर रहा है एक ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करना चाहता हूँ गूगल फॉर्म फिल करने वाले उसे रिस्पॉन्स सबमिट करने वाले यूजर्स को तो ई कंटेंट को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ एट लास्ट क्लिक करते हैं सीवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और सेवन जेंट टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमें ये रिस्पॉन्स बता रहा है कि जो मेल है वो सक्सेसफुली सेंड हो गया है इस यूज़र को तो चलिए चलते हैं हम इस ई एड्रेस के इनबॉक्स पे और वहीं चल के देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पर सच में ये कोई ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है या नहीं तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ब्राउजर के न्यू टैब पे और यहाँ से करते हैं अपना गूगल अकाउंट स्विच कुणाल कपूर के अकाउंट पे वही यूज़र जिस यूज़र का डाटा हमने अभी अभी गूगल फॉर्म में एंटर किया था और जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी हमें यहाँ पे एक मेल रिसीव हुआ है उसी यूजर के अकाउंट पे जिस यूजर का डेटा हमने अभी अभी गूगल फॉर्म्स पे एंटर किया था जो मेल कहता है हेलो कुणाल कपूर वी हैव सक्सेसफुली रिसीव योर रिस्पॉन्स ऑन स्मार्टफोन सर्वे फॉर्म वी अप्रिशिएट द टाइम यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस सर्वे थैंक यू रिगार्ड्स यानी कि दोस्तों ये जो ऑटोमेशन ये जो पूरा, पूरा प्रोसेस पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी क्रिएट किया है पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से सक्सेसफुली काम कर रहा है तो चलिए इसे एक बार फिर से टेस्ट करते हैं अपने गूगल फॉर्म्स पे चलते हैं वहां पे एक फ्रेश यूजर एक न्यू यूजर के डिटेल्स फिल करके उस फॉर्म को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या डायरेक्टली वहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन उस यूज़र को सेंड हो रहा है या नहीं तो आगे हम इसे यहाँ पर अपने गूगल फॉर्म्स पे इसे करते हैं एक बार रिफ्रेश और मैं वापस से फिल करता हूँ इस फॉर्म को एक नए यूजर की डिटेल्स के साथ तो यहाँ पे मैंने फॉर्म को फिल कर लिया है एक नई यूजर के डिटेल्स के साथ जिसका नाम है शुभम सिंह एज ट्वेंटी एट ई मेल एड्रेस शुभम एज डॉट जीरो सिक्स नाइन टू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम डू यू रेगुलरली यूज स्मार्टफोन येस वॉट ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन डू यू यूज वन प्लस हाउ लॉन्ग हैव यू ओन्ड योर स्मार्टफोन थ्री ईयर्स हैव यू यूज योर स्मार्टफोन फॉर ट्रैकिंग योर हेल्थ येस एंड वेयर डू नॉर्मली कीप योर स्मार्टफोन वैन यू वर्क ऑन माई डेस्क

उस अकाउंट पे जो अभी अभी उस डेटा पे उस यूजर को जिसने अभी अभी उस गूगल फॉर्म को फिल करके एक रिस्पॉन्स क्रिएट किया है एक ई नोटिफिकेशन रिसीव हो गया है जो कि कहता है हेलो शुभम सिंह यानी कि फॉर्म फिलने करने वाले यूजर का नहीं वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर रिस्पॉन्स ऑन स्मार्टफोन सब फॉर्म वी अप्रिशिएट टाइम यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस सर्वे थैंक यू रिगार्ड्स यानी कि दोस्तों ये पूरा ऑटोमेशन पूरा प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहा है हमने एक बार टेस्ट करके भी देख लिया तो चलिए चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट पे और वहां चल के देखते एकदम ब्रीफ समरी में कि हमने ये कैसे किया यहाँ पे पैब्लिक कनेक्ट पे आते हैं हम करते हैं इसे इसे मिनिमाइज एंड देन इसे भी तो दोस्तों सबसे पहले हमने पैब्लिक कनेक्ट पे गए और पैब्लिक कनेक्ट से मिले बेबुक यू की हेल्प से हमने गूगल फॉर्म्स और पैब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक किया आपस में कनेक्ट किया उसके बाद हमने गूगल फॉर्म्स में गए और वहां पर जिस फॉर्म का रिस्पॉन्स जिस फॉर्म का सबमिशन का डेटा हम पैब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहते थे उस फॉर्म को एक बार फिल करके एक टेस्ट सबमिशन क्रिएट किया और उसका डेटा पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया रिसीव किया उसके बाद हम गए अपने एक्शन टैब पे जहाँ पे हमने उस जी अकाउंट को जिस जी अकाउंट से हम ई नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते थे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को उस जी अकाउंट को कनेक्ट किया पब्लिक कनेक्ट से और जो डेटा हमने रिसीव किया था गूगल फॉर्म से पब्लिक कनेक्ट में उस डेटा को एक एक करके मैप किया ताकि हम उस डेटा के बेसिस पे उस यूजर को फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को ईमेल नोटिफिकेशन सेंड कर सके तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों पब्लिक पैब्लिक की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं और हाँ एक और जरूरी बात इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस जिसपे क्लिक करके आप इस सेम वर्क फ्लो को अपने पब्लिक पैब्लिक अकाउंट पर क्लोन कर सकते हैं और अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में इस वर्क फ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिन एट पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए पाबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ बेलाइकन दबाना ना भूलिए तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू